आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी बनाने। और ये देखिए 1 केजी चिकन है, ये चिकन है 1 केजी, जिसको हमने दो धोकर साफ़ कर लिया है। और ये 200 ग्राम दही और 1 किलो ये चावल है, जिसको हमने पानी में भिगो दिया है। हमने पानी रखा है गर्म होने के लिए, इसमें हम चावल को पकाएंगे। और इसमें ये डालेंगे हम लौंग, जैसे 15 है लौंग, 1 चम्मच जीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची हमें पानी में बॉईल होने के लिए डाल देंगे। जब तक पानी खोलेगा फिर उसमें हम चावल ऐड करेंगे। ये बिरयानी मसाला है 2 पैकेट 10 वाला, और इसमें हम प्याज डालेंगे 8-10 काट रही हूँ, और अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर आपको दे ये पानी हो गया है गर्म, खोल रहा है, इसमें हम चावल ऐड करेंगे सारा चावल। इसमें हम 1 चम्मच नमक भी ऐड करेंगे और ये चावल को अच्छे से पका लेंगे। फिर आपको दिखाते हैं, ये हमारा चावल पक गया है, इसको थोड़ा थोड़ा कच्चा ही रहने देंगे, इसमें पक जाएगा जब हम दम देंगे। तो इसको हम अब छान लेंगे, इस छन्नी में हम छान लेंगे पूरा चावल। अब इसमें से लौंग हम लोग चुन के निकाल देंगे, खड़े जो मसाले हैं कि दांत के मुंह में अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा है। तो ये चावल को हमने फैला दिया है, इसमें से हम लौंग बिन के निकाल देंगे, वो अच्छा नहीं लगता है, कड़वा लगता है मुँह में जाता है, तो वो काम आ जाएंगे मसाले वसाले में पीसने के लिए। सारे चुन के लौंग निकाल देंगे। हमने एक टोप रख लिया है गर्म होने के लिए, गर्म हो गया है। इसमें हम ऑयल डालेंगे फ्राई करने के लिए प्याज, जिसमें हम बिरयानी बनाएंगे। इसमें प्याज सब ग्रेट कर देंगे, जो हम बताते थे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पूरा फ्राई करेंगे। हम लोग फ्राई कर लेंगे जब तक गोल्डन ना हो। देखिए हमारा प्याज एक गोल्डन ब्राउन हो रहा है, और इसको हम 10 मिनट और भुनेंगे। देखिए ये प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया अच्छे से। अब इसका चौथाई भाग एक हम निकाल लेंगे थोड़ा सा, फिर इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। इतने से निकाल लेंगे और इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन हम इसमें सारा ऐड कर देंगे, हमने सारा चिकन ऐड कर दिया है। अब इसको हम सारा मिक्स कर लेंगे, हमने सारा मिक्स कर लिया है, इसको हम ढक के पकाएंगे। मीडियम आंच पे ही पकाएंगे हम अच्छे से चिकन को। फिर ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम। इसमें हम नमक अपने स्वाद अनुसार ऐड कर लेंगे, हल्दी भी ऐड कर लेंगे। हमने नमक हल्दी ऐड कर दिया है और मिक्स कर लेंगे। 3 मीडियम साइज टमाटर लिया था, उसको प्यूरी बना लिया है, इसमें ऐड करेंगे। सारे अच्छे से भून लेंगे हमारे। इसी में ऐड करेंगे 2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच ये बिरयानी मसाला, 4-5 चम्मच है अपने स्वाद अनुसार। इसमें हम डाल देंगे मसाले को, सारा मसाला अच्छे से भून लेंगे। देखिए सारा मसाला अच्छे से भून गया है, कितना अच्छा कलर अच्छा दिख रहा है। कमेंट में बताएंगे कैसा बना है। अब इसे हम दही ऐड करेंगे, इसमें दही ऐड कर देंगे, दही को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए चिकन रेडी हो गया है, इसमें हम चावल ऐड करेंगे, इसमें हम चावल ऐड कर देंगे अच्छे से चावल फैला के। इसमें हम थोड़ा बिरयानी मसाला सूखा डालेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। हम जो प्याज फ्राई किए थे वो इसमें डाल देंगे अच्छे से। इसमें हम थोड़ा कलर डाल देंगे।
अरे रेड और ग्रीन कलर। धनिया ऐड कर देंगे। इसमें एक चम्मच घी ऐड कर देंगे, इससे खुशबू अच्छी आती है। इसको हम ढक देंगे अच्छे से, और हम ये तावे गरम किए हैं, इसको धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए हम तावे पर रख दिए हैं दम देने के लिए 10 मिनट इस पर रख के, उसके बाद हो जाएगा रेडी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बिरयानी बन के रेडी हो गया है। अब आपको हम सर्व करके दिखाते हैं। देखिए कितना कलर अच्छा है इसका। देखिए हमारा बिरयानी कितना टेस्टी बना है। आप भी कमेंट में बताइएगा कैसा बना है, और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। कितना टेस्टी। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।